तारों भरा आसमान फिर भी रात काली क्यों होती है? ये सवाल बचकाना लगता है। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य की रोशनी के कारण होता है, लेकिन जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो जहाँ एक तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है वहीं दूसरी तरफ अंधेरा होता है। वैज्ञानिकों को सदियों से ये सवाल परेशान करता रहा है कि अगर ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं जो रात के आसमान में चमकते हैं तो पृथ्वी पर रात आखिर काली और अंधेरी क्यों होती है। 19वीं सदी में जानकार मानते थे कि ब्रह्मांड शाश्वत है, इसका कोई छोर नहीं है और वक्त के साथ ये कभी नहीं बदलता। उस वक्त आसमान को एक बड़े चित्रपट के तौर पर देखा जाता था जहां असंख्य तारे हमेशा चमकते रहते हैं। यूरेका नाम के एक निबंध में लेखक एडगर एलन पो ने कहा कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ दलीलें सही नहीं थीं। वो कहते हैं, अगर तारों की चादर का कोई अंत ही नहीं है और वो स्थिर है तो आकार हर रात समान ही नजर आएगा और कोई पूरे ब्रह्मांड ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां से कुछ तारे ना दिखें। आकाश के बारे में और जानने की चाह और विज्ञान के प्रति अपनी रुचि के कारण उन्होंने आकाश के बारे में एक दलील को चुनौती दे दी थी। वो धारणा थी कि ब्रह्मांड शाश्वत है, लेकिन हर दलील के बावजूद रात काली क्यों होती है इस पर सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ तारों के असंख्य होने, ब्रह्मांड के सीमाहीन होने और ब्रह्मांड के हर चीज के स्थिर होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अंधेरी रात या फिर कहें ब्रह्मांड में अंधेरे के सवाल से इसके बारे में कई बातें सामने आने में मदद मिली है। इस पर विरोधाभास रहा। लंबे वक्त से, शायद जब से धरती बनी तब से ही रात काली थी, लेकिन इसके अस्तित्व से जुड़े सवाल 16वीं सदी में पूछे जाने लगे। इन सवालों के संतोषजनक उत्तर मिलने में हालांकि काफ़ी वक्त लगा। जर्मनी खगोलविद हेनरिच विलहेम ओल्बर्ट्स के मन में सवाल पैदा हुआ कि रात में आसमान में लाखों चमकते हुए आग के गोले हैं, लेकिन फिर भी रात में अंधेरा क्यों होता है। उन्होंने इस तर्कहीन प्रक्रिया को विरोधाभासी कहा। इसके बाद इस विषय पर लोगों की रुचि बढ़ी और लोगों के बीच इस पर विवाद शुरू हुआ। 19वीं सदी के दूसरे दशक में ओल्बर्ट्स की बताई इस विरोधाभासी प्रक्रिया को ओल्बर्ट्स पैराडॉक्स कहा गया। अगर एडगर एलन पो के निबंध यूरेका की बात करें तो इसमें उनका कहना है कि खगोल के बारे में कोई भी भ्रांति इतनी अधिक देर तक नहीं रही और आसमान के तारों के बारे में जितनी बातें की गई शायद ही किसी और के बारे में की गई होंगी। उन्होंने कहा कि आसमान में तारों की संख्या गिनी नहीं जा सकती और ऐसे में रात का होना, अंधेरा होना ही संभव नहीं है। उन्होंने कहा, जब हम टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो हर तरह हमें खालीपन दिखता है। इसका कारण यह हो सकता है कि सीमाहीन अंतरिक्ष शायद इतना बड़ा है कि वहाँ से कभी प्रकाश की कोई किरण कभी हम तक पहुँच ही नहीं पाती है। इस तरह से उनकी बात थोड़ी बहुत सही थी, लेकिन इस अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में कई बातें थीं जो हमें पता नहीं थी। अंतहीन नहीं ब्रह्मांड। 20वीं सदी तक खगोल शास्त्री ये मानते थे कि ब्रह्मांड में सभी तारों को गिन पाना असंभव है। वो ये भी जानते थे कि अंतरिक्ष भी सीमाहीन है। पैराडॉक्स की बात को साबित करने के 19वीं सदी के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि तारों के बीच धूल के बादल हैं जो धरती की तरफ आने वाली रोशनी को सोख लेते हैं ताकि धरती तक पहुंच ना पाए।
हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये धूल इतनी एनर्जी सोख लेंगे कि ये खुद ही चमकने लगेंगे। इसके बाद इस संबंध में एक नई जानकारी सामने आई और वो धीरे धीरे ये धारणा बनने लगी कि ब्रह्मांड अंतहीन नहीं है। ब्रह्मांड एक सीमित जगह है जहां अरबों तारे हैं, लेकिन वो इतने काफ़ी नहीं है कि वो पूरे ब्रह्मांड में रोशनी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में अंधेरा रहने की कई और वजह भी है। हमारा ब्रह्मांड अभी युवा है, हम ये नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड अंतहीन है। हम जानते हैं कि ये लगातार बढ़ रहा है और इसमें चीज़ें बदलती रहती हैं। ये ना केवल सीमित आकार का है बल्कि इसकी एक उम्र भी है। आज से 15 अरब साल पहले बिग बैंग नाम के एक धमाके से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। केंद्र में एक बिंदु पर इसका जन्म हुआ जिसके बाद से ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अब भी लगातार बड़ी तेजी होती जा रही है और इस कारण तारे और गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर होती जा रही है। हालांकि ये बेहद तेजी से नहीं चला रहे, लेकिन फिर भी प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लग जाता है। जब खगोल शास्त्री 10 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद किसी गैलेक्सी को देखते हैं तो असल में वो उस गैलेक्सी का रूप देखते हैं जो 10 लाख साल पहले था, क्योंकि आज इस गैलेक्सी से जो प्रकाश निकला होगा उसे हमारी आंखों तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसका ये मतलब है कि दूरी से आने वाले प्रकाश रास्ते में नष्ट भी होते रहते हैं और कई बार प्रकाश उस स्पेक्ट्रम में नहीं रह पाते हैं जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। खगोल शास्त्री और विज्ञान विषयों के लेखक रूडाल्फ किम्पेनहॉर्न कहते हैं कि रात के वक्त जब सूरज पृथ्वी की दूसरी तरफ होता है उस वक्त हमें अंधेरा ही दिखता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी अभी भी अधूरी है। वो कहते हैं काली रात हमें बताती है कि कभी तारे थे ही नहीं और ब्रह्मांड हमेशा से बढ़ रहा था। ये आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मांड के बारे में इस अहम जानकारी को बताने के लिए बड़े टेलीस्कोप और स्पेस स्टेशनों की कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए रात को खिड़की से बाहर झांकना ही काफ़ी है।